खनन माफिया पर कड़ी नकेल कसने के लिए हमीरपुर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत पिछले 11 महीनों में अब तक 600 से ज्यादा अवैध खनन को लेकर पुलिस चालान करके मामला दर्ज कर चुकी है। हालांकि अवैध खनन के मामले जिस रफ्तार से कम होने चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। ब्यास नदी पर अवैध खनन के सबसे ज्यादा मामले पकड़े जाते हैं। पुलिस ने अवैध खनन के इन मामलों को लेकर अब ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखने का काम शुरू कर दिया है, ताकि ऐसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा धरपकड़ की जा सके। इसके अलावा पुलिस लोकल स्तर पर भी कुछ ऐसे सोर्स तैयार कर रही है, जिनकी मदद से अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। इन लोकल लोगों के पास अवैध खनन करने वालों की ज्यादा जानकारी मौजूद रहती है और पुलिस अब अपने इसी नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के ब्यास नदी के अलावा विभिन्न खड्डों में सरकार द्वारा लीज पर खनन की अनुमति दी गई थी, बावजूद इसके लोगों द्वारा विभिन्न स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपए का चूना भी लग रहा है। डीएसपी हमीरपुर रोहिन डोगरा ने बताया कि इस साल अब तक पुलिस ने अवैध खनन को लेकर 600 लोगों के चालान कर चुकी है। उन्होंने बताया कि इन लोगों पर और कड़ा शिकंजा रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, साथ ही पुलिस लोकल सोर्स भी डेवलप कर रही है, ताकि ऐसे मामलों पर और ज्यादा शिकंजा कसा जा सके। अवैध खनन को लेकर हमने काफी समय से सख्त कार्रवाई को अंजाम दिए हुए, हम जो भी हमें शिकायत मिल रही है हम उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई भी कर रहे हैं। ड्रोन से हम बेसिन एरिया के ऊपर सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, सोर्स डेवलप करके हम सरप्राइज रेड्स भी कर रहे हैं, और जो भी मामले हमारे सामने आते हैं उसमें हम माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। इसी संदर्भ में हमने 2023 में 600 के आसपास जो है वायलेटर्स के हमने चालान किए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि खनन माफिया पर कड़ी नकेल कसने के लिए हमीरपुर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत पिछले 11 महीनों में अब तक 600 से ज्यादा अवैध खनन को लेकर पुलिस चालान करके मामले दर्ज कर चुकी है। अब अवैध खनन के मामलों को लेकर ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि ऐसे लोगों की ज्यादा से ज्यादा धरपकड़ की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।